झंडे के साथ डंडा भी दीजिए। जो भी झंडा देगा और गिनेगा वो अपना वोटर गिन रहा है और वो वोटिंग के लालच में ही झंडे को भी समझता है। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। अमृत महोत्सव जो है ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि घर घर तिरंगा दिया जा रहा है। लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि घर घर तिरंगा तो दिया जा रहा है लेकिन वो तिरंगा लगाए किसमें, तिरंगा को लगाने के लिए उनके पास डंडा नहीं है। लेकिन आज मुंब्रा शहर में जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और रिदा रशीद जो है मुंब्रा के कई इलाकों में गई और उन्होंने झंडा जो है यहाँ पर दिया, लेकिन झंडे के साथ साथ डंडा भी दिया है। यानी कि रिदा रशीद का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से लोगों के झंडा तो लोगों को दिया जा रहा है लेकिन झंडा लेने के बाद लोग उसे अपने घर में रख दे रहे हैं, वो लगा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगाने के लिए डंडा उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो रिदा रशीद आज यहाँ पर मुंब्रा के गलियों में हर घर हर दुकान पर झंडा लोगों को बांटे, झंडे के साथ में उन्होंने डंडा भी बांटा है ताकि वो झंडे को लगा सके। सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार। इस बार हम 15 अगस्त मनाएंगे, देश की आज़ादी का 75 वर्ष हुआ है पूरा, तो मुझे लगता है झंडा सभी को लहराना चाहिए और सभी को बाहर आना पड़ेगा। पहली बार मैं अपने सरकार का आभार प्रकट करूंगी कि झंडे देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, तिरंगा लहराते जाइए, अनलिमिट करिए। अगर किसी को झंडा नहीं मिला है और किसी के पास डंडा नहीं हो तो प्लीज झंडे के साथ डंडा भी दीजिए और घर घर लहराने का बोलिए। 13 तारीख से 15 तारीख तक के हमें लगाना है। 15 तारीख के शाम को 5 बजे के पहले हमें इसे उतार के संभाल के रखना है, इज्जत से लगाना है, इज्जत से उतारना है। देखिए उनको क्या हुआ है, झंडा तो बीएमसी से मिल गया, झंडा टीएमसी से मिल गया, झंडा बाकी हमें ऐसा भी किसी ने 100-200 दे दिया तो झंडा तो हमने बांट दिया। मैं काफी घरों में गई, दुकानों में गई, मैंने बोला भैया जी झंडा मिला, ताई झंडा मिला लगा, वो मिला ले, हमारे डंडा नहीं है। तो मला मेरे को ऐसा लगता है झंडे के साथ डंडा भी दीजिए क्योंकि वो घड़ी करके रखना नहीं है। मैंने मेरा फर्स्ट पूरा किया लेकिन लगाने के लिए तो हमारे आर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से झंडे के साथ डंडा भी दिया है और बांधने के लिए सुतली भी दे रही हूँ क्योंकि बांधिए, इज्जत से बांधिए, इज्जत से उतारिए। 13 तारीख को लगाना है, 15 को उतारना है। मैं सभी भाइयों और बहनों को, हमारे सभी बच्चों को, देश के सभी को बोलूंगी, खास करके मुंब्रा के लोगों को भी बोलूंगी कि ये 75 साल हुए हैं आज़ादी के, हम इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट करना तो मतलब सोच बहुत दूर की बात है, हम उस टाइम का विचार भी नहीं कर सकते उस टाइम पे क्या हुआ था हमारे लोगों के साथ और हमारे आज़ादी को कितने लोगों के क्या तकलीफ हुई थी। तो प्लीज़ गिनिए मत, जो भी झंडा देगा और गिनेगा तो मुझे नहीं लगता है वो सोशल काम कर रहा है, वो अपना वोटर गिन रहा है और वो वोटिंग के लालच में ही झंडे को भी समझता है। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ गिनना चाहिए और 75 साल आज़ादी को हुए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन मिलता है।